हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्लास टेंथ है, मैथ्स, आईसीएसई बोर्ड, और बुक है ये सेलिना पब्लिकेशन की, कॉन्साइज मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को देखना है। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए एंड बी, स्ट्रेट लाइन पी ए क्यू कट्स द सर्कल एट पी एंड क्यू। तो पहले इतने का मतलब समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में इतने का मतलब क्या है। सबसे पहले कहा है कि दो सर्कल्स आप बनाओ और वो दोनों सर्कल एक दूसरे को पी और बी पे कट करेंगे। तो ये मैंने एक सर्कल ये बना लिया और ये मैंने एक दूसरा सर्कल बना लिया। इसको मैंने मान लिया ए और इस पॉइंट को मैंने मान लिया बी। ठीक हो गया, एक तो ये कहा है। फिर इसके बाद कहा है स्ट्रेट लाइन पी ए क्यू कट्स द सर्कल। एक स्ट्रेट लाइन आपने बनानी है जो ए से पास कर रही है और उसका नाम है पी ए क्यू, और ये पी ए क्यू लाइन जो है सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, पी एंड क्यू पर। तो ये रहा ए, इससे पास होती हुई एक लाइन मैंने अपनी तरफ से बना ली। कैसे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। स्ट्रेट लाइन बनाना पर तो ये पी रख लिया और ये मैंने यहाँ पर रख लिया क्यू। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपसे क्या कहा है, इफ द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू, मतलब पी और क्यू पे आप टेंजेंट बनाओ, इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, और वो दोनों टेंजेंट्स जो हैं किसी पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास पी और क्यू पॉइंट है, इन दोनों पर मैं क्या करता हूँ, टेंजेंट बनाता हूँ। तो एक टेंजेंट मैंने यहाँ से इससे बना लिया और ये क्यू पॉइंट है, और इससे भी मैंने ये टेंजेंट बना लिया और ये टी पॉइंट पर क्या कर गया है, इंटरसेक्ट कर गया है। अब क्वेश्चन में अगर आगे देखो तो उन्होंने कहा है पी बी क्यू टी आर कॉन्साइक्लिक। इन चारों पॉइंट्स को हमें कॉन्साइक्लिक प्रूव करना है। कहाँ है ये चारों पॉइंट्स, पी बी क्यू टी, इन चार पॉइंट्स को हमें कॉन्साइक्लिक प्रूव करना है। पहले तो कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स का मतलब समझ लें। अगर चार पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं तो इसका मतलब है कि ये चारों के चारों पॉइंट्स जो हैं किसी सर्कल पर लाई कर रहे होंगे, और सर्कल पर लाई करने वाले अगर इन चारों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो तो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, जिसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं, जिसकी खासियत ये होती है कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि पी बी क्यू टी, इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हो आप, जो कि मैं यहाँ पर ज्वाइन करके दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ से ज्वाइन कर दिया और ये मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, तो अब आप देख सकते हैं आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख गया होगा यहाँ पर। तो इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम अगर मैं 180 प्रूव कर दूँ, मतलब ये एंगल और इस एंगल का सम 180 प्रूव कर दूँ, तो मेरा ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, ये कॉन्साइक्लिक प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। इसको समझाने के लिए मैं बी और क्यू को, सॉरी ए और बी को जो है ज्वाइन कर देता हूं, एक कॉर्ड बना देता हूं। ठीक हो गया। अब सॉल्व करने के लिए हमें किस कॉन्सेप्ट का यहां पर यूज करना होगा, यह भी आप समझ लें। एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगेगी। क्या होती है ये थ्योरम जरा समझ लें। जैसे कि एक सर्कल आपने बनाया, इस सर्कल पे आपने बना लिया एक टेंजेंट, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पी, जिसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। इस पी पे आप कोई भी एक कॉर्ड बना लो, जैसे मैंने ये बना लिया। अब ये कॉर्ड सर्कल के, अब ये कॉर्ड जो बनाया इसका ये पॉइंट पी ले लिया, ये पॉइंट क्यू ले लिया। अब इस कॉर्ड के एंड पॉइंट से, एक पॉइंट यहां से एक यहां से, सर्कल के किसी पॉइंट पर जो एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी को कहते हैं एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। यहां पर भी आपको यह चीज ढूंढनी है, जरा ढंग से देखते हैं। आपने यह टेंजेंट बनाया है, लेट मी सपोज कि यह वाला एंगल हमने 1 मान लेते हैं। अब आप देखें, अगर हम ये वाला एंगल 1 मान लेते हैं तो इस पॉइंट पर एक कॉर्ड बनाया गया, जरा देखें कॉर्ड ये रहा, ये रहा कॉर्ड, ठीक है, ये रहा कॉर्ड। तो ये सर्कल के, इसी सर्कल के किसी पॉइंट पर जो एंगल बना रहा है, ये बना रहा है, समझ में आ गया। इस एंगल का नाम अभी के लिए मैं 2 रख लेता हूं। तो अब आप लिखेंगे कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, और रीजन यहां पर लिखेंगे एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। मैं ऐसे ही शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप ध्यान में रखें। हो गया इतना। ऐसे ही आप इसको देखें, आप ये भी एक टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट यहां पर कितने एंगल बना रहा है, इसका नाम हम 3 रख लेते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये जो टेंजेंट है इसके इस पॉइंट पे हमने बनाया एक कॉर्ड, इस कॉर्ड का एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इस पॉइंट से यहां पर गया और इस पॉइंट से यहां पर गया,
तो ये जो कॉर्ड है सर्कल के किसी पॉइंट पे ये एंगल बना रहा है। इस एंगल का नाम हम रख लेते हैं यहाँ पर 4। इसका मतलब है एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे। तो आप लिखेंगे कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। रीज़न यहाँ पर भी सेम देंगे, एंगल ये एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये है एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, यहाँ पर भी एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये आप लिख लेंगे फटाफट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, ट्रायंगल लेना है। इन ट्रायंगल पी बी टी क्यों लिया ये ट्रायंगल, ताकि मैं एंगल निकाल सकूं। आपको पता है ट्रायंगल्स के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180। मुझे ये वाला एंगल निकालना है। तो आपको पता है अगर ये एंगल निकालना है तो ये एंगल इक्वल होगा 180 माइनस सम ऑफ दीज टू। वैसे तो मैंने डायरेक्टली कर दिया, चलिए ऐसे कर लेते हैं। एंगल टी प्लस ये क्या है एंगल 3 प्लस एंगल 1 किसके बराबर होगा 180, और यहां पर लिखना है अपने एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां से टी निकालोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये समझ में आ गया होगा आपको। एंगल टी आ गया 180 माइनस ब्रैकेट में एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो मुझे फाइनली ये वाला एंगल मिल गया है, और आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल है इसमें यहां पर जो एंगल है ये है एंगल 4 प्लस एंगल 2, और आपको पता है इन दोनों का सम मुझे 180 प्रूव करके दिखाना है। तो अब मैं लेता हूं इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल बी पी टी क्यू, तो एंगल बी प्लस एंगल टी मुझे 180 प्रूफ करके दिखाना है। एंगल बी ये पूरा है जिसमें एंगल 4 और एंगल 2 दोनों है, तो एंगल बी की जगह लिख लेता हूं मैं एंगल 4 प्लस एंगल 2। एंगल टी की जगह लिख लेता हूं मैं क्या है एंगल टी प्लस ये है 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये समझ में आ गया आपको। अब एंगल 4 प्लस एंगल 2 एज इट इज रहेगा प्लस 180 भी ऐसी रहने देते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 3 हो जाएगा। अब अगर वापस आप यहां जाओ तो आपको दिख रहा होगा कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। पुट कर लेते हैं, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, तो ये एंगल 4 रहने देते हैं, ये एंगल 2 रहने देते हैं, ये 180 माइनस इसकी जगह हमारे पास एंगल 2 आएगा, और एंगल 3 की जगह एंगल 4 लिख लेंगे, एंगल 3 की जगह एंगल 4 लिख देते हैं। तो ये दोनों तो कट गए, यहाँ से ये दोनों भी कट गए, तो आप देखिए हमारे पास आंसर कितना आ गया 180। तो एंगल बी प्लस एंगल टी हमारे पास आ गया 180। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके अपोजिट एंगल्स का सम हमने 180 प्रूव करके दिखा दिया, तो ऑटोमेटिकली ये क्या प्रूफ हो गया आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, या फिर इन चार पॉइंट्स को कॉन साइक्लिक कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।